हाँ, सिंपल लेयर सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। वैसे गूगल से भी जो भी इमेजेस उठा रहा होता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी है, आसानी से हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर रख रहा हूँ। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर का सबको पता है सॉलिड लेयर, जिस तरह बैकग्राउंड इस तरह से भी हम रख सकते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेयर हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, और मैं इसको कर देता हूँ लॉक। ठीक है, या मे बी हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ब्लैक कुछ इसका ग्रीन शीनिंग देख लेते हैं कोई कलर। अच्छा, कलर डॉट को सब यूज कर रहे हो आप? कलर डॉट को ज्यादा हो गया। अच्छा, जो ऑनलाइन बैठे हैं आप में से कोई कलर डॉट को में से कोई अच्छा सा नेचर का कोई न्यूट्रल कलर लेकर आए, ताकि हम वो बैकग्राउंड पे अप्लाई करें। ठीक है, चलें जी। अब लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसा किया था कि इसकी जो ये नाक है, सूंड है, ठीक है, ये हम मास्क के थ्रू हम इसको पीछे लेकर आए थे। लाइक मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ताकि फील हो कि ये ऑब्जेक्ट आगे है, पर्सपेक्टिव के लिहाज से ये आगे ही लगना चाहिए और ये पीछे होना चाहिए। अब मुझे यहाँ सिंपली कल जो हमने अप्लाई किया था मास्क, तो ये मास्क यहाँ से आ रहा है। मास्क की लेयर तो सबने अप्लाई कर ली है, वैसे आप जो यहाँ पे हैं अभी अप्लाई तो कर ली होगी कि किस तरह आती है। चलें जी, मास्क सिंपली हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, क्लिक किया। अब मुझे आप में से कोई बताए कि ब्लैक कलर क्या करता है, व्हाइट कलर क्या करता है? ठीक है, चलें जी। सिंपली हमारे पास ब्रश है, बिफोर ब्रश, और यहां पे हम इसको पेंट करना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, सिंपली पेंट कर रहे हैं आराम से इसको। अच्छा, पीछे का अगर मुझे जानना है कि इसकी अलाइनमेंट किस तरह होगी, तो मुझे क्या करना चाहिए? सिंपली ट्रांसपेरेंसी में जाके थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मुझे एजेस का इल्म हो कि कहाँ कहाँ पे मुझे पेंट करना है। ठीक है, अगेन बी फॉर ब्रश, और मैं इसको पेंट करता हुआ जा रहा हूँ। इतना सबको समझ में आ रहा है जो ऑनलाइन बैठे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। ब्लैक रिमूव करता है, चलें जी, वेरी गुड। अगेन मुझे अगर कलर चेंज करना हो तो मुझे कौन सी की प्रेस करनी चाहिए? व्हाइट टू ब्लैक, नहीं, सिंपल एक्स। ठीक है, और जी यहाँ पे ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में थोड़ा सा रह गया यहाँ पे, हम इसको एडजस्ट को बेहतर कर देते हैं। ओके जी, ठीक है जी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे चला गया, और हमारी लेयर अभी भी ऊपर है। मैं इसकी दोबारा 100% कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और चीज आइडिया आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा बाद में अप्लाई। अभी तक समझ में आ रहा है सबको? अगर सिर्फ मुझे मास्क की लेयर देखनी है तो मैं कैसे जाऊंगा मास्क की लेयर पे? एनीवन? सिर्फ मास्क की ये वाली लेयर देखनी है कि मैंने कहां कहां पे पेंट किया, तो किस तरह होगा? ऑल्ट के साथ, ठीक है, ऑल्ट के साथ मैं इस लेयर में आया और मुझे ये कंप्लीट दिखाएगा कि आपने कहां कहां पे किस तरह पेंट किया। ठीक है, अच्छा अब एक और हमारे पास मामला आ रहा था कि यहाँ पे आपने डायरेक्टली सिलेक्शन के साथ किस तरह मास्क किया, ठीक है, वो लास्ट में था। तो अब यहाँ पे भी हम इस तरह करते हैं। मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मास्क को कर रहा हूँ डिलीट, या ऐसा करते हैं हम इस लेयर को रहने देते हैं, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ हाइड, देन इस मास्क को मैं कर रहा हूँ डिलीट। अगेन हो गई डिलीट, अगेन मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब दोबारा मैं सोच रहा हूँ कि पेंट ब्रश करने से बेहतर है कि मैं सिलेक्शन बना के
और इसको मैं रिमूव कर सकता हूं, इसका मैं मास्क बना सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मैं चाह रहा हूं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट मेरे पास ट्रांसपेरेंट है ऑलरेडी, मैं इसकी सिलेक्शन बना लूं डायरेक्ट सिंगल क्लिक से। एनीवन जो ऑनलाइन बैठे हैं? नहीं, राइट, ठीक है। कंट्रोल के साथ हम इस लेयर के ऊपर जाके सिर्फ क्लिक करेंगे तो मेरे पास सिलेक्शन बन के आ गई, ये देखिए, ठीक है। अब यहां पे मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई आपने आपके जो भी चीजें इर्द गिर्द हैं अपोजिट, उसको सिलेक्ट कर लो। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अपोजिट सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। तो मेरे पास अब ये इनवर्ट सिलेक्शन हो गई। लेट्स से मैं इसका एक मास्क बना के देख रहा हूं, ये क्या हुआ, ये तो कंप्लीटली गुम हो गया और मेरे पास ये पूरा एक मास्क यहां पे बन के आ गया। तो मुझे क्या करना चाहिए? कल इसी तरह से हमने टेक्स्ट को चेंज किया था, याद होगा आपको। सिंपल कंट्रोल शिफ्ट आई और मास्क, समझ में आया किसी को? नहीं आया। देखो पहले हमने क्या किया कि लेट्स से मैं दोबारा चल रहा हूं मेन ऑब्जेक्ट की तरफ, मैंने इसका इसकी क्या ली, सिर्फ सिलेक्शन, मास्क अप्लाई नहीं किया। मिसाल के तौर पे मैं इसका मास्क भी बना लेता हूं, मास्क बन गया, आप लेयर देख रहे हो, ठीक है। और इसी मास्क को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं ऊपर। अब समझ में आया कि वो हमारा पेंट हो चुका है, ठीक है, ये वाली सिलेक्शन पेंट हो चुकी है। इसके अलावा जो भी चीजें हैं आपने विजिबल रखनी है, बाकी को आपने रिमूव करना है। कल टेक्स्ट में भी कुछ इस तरह से किया था, समझ में आ रहा है? अगर किसी को जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली मैं हूं यहाँ पे आपके पास, दोबारा रिपीट करना चाहिए, ठीक है। दोबारा क्या करते हैं, लेट्स से मैं दोबारा इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। डिलीट, मास्क हमारा डिलीट हो गया। दोबारा क्या कर रहे हैं कि भाई मैं इस ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा सा लगे, ठीक है जी। हाउ टू सिलेक्ट, इकरा इब्राहिम पूछ रही है, ठीक है जी। हमें सिलेक्शन किस तरह करनी चाहिए, अब आप ही बता दो किस तरह करनी चाहिए, तीन दफा रिपीट किया, कंट्रोल के साथ सिलेक्शन आ गई। सिर्फ कंट्रोल के साथ उस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सिलेक्शन आ जाएगी। और अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मास्क का मकसद है या छुपाना या विजिबिलिटी, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेयर के साथ जो आपके पास सिस्टम में मौजूद भी है लेकिन उसको कवर कर लेती है, ठीक है। मैंने एक कवर मास्क, न्यू लेयर मास्क लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट अभी भी विजिबल है। इस तरह होना नहीं चाहिए वैसे, क्या कहते हो? राइट राइट, समझे। अब यहाँ पे सिलेक्शन व्हाइट दिखा रहा है, हमें दोबारा चलो लेयर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे लेयर पे चलते हैं, यहाँ पे ये व्हाइट है, बाकी विजिबल कर रहा है। तो दोबारा मैं क्या करना चाहिए, एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया, ठीक है। वो क्या चीज भूला मैं, आप बता दो। नो नो नो, नो नो नो, क्या भूला था अभी मैं,
कंट्रोल शिफ्ट आए, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने कहा आप रहो, बाकी जो भी सिलेक्शन है आउटर अब वो बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट आए, इनवर्ट सिलेक्शन, ठीक है। दोबारा मैंने मास्क बनाया, ठीक है, और मेरा ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो गुम हो गया, ठीक है। नहीं मास्क, अब देखो ना ब्लैक, ब्लैक कौन सा ऑब्जेक्ट है अब देखो, तो कैसे विजिबल होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली मैं कह रहा हूं कि बेहतर ये है कि इसी सिलेक्शन को मैं ऊपर वाले मास्क पे अप्लाई कर दूं, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप, समझ रहे हो, सेंस बन रहा है। हो जाएगा, सिंपल है वैसे, एक दो दफा आप करके देखोगे, सिर्फ सिलेक्शन का मसला है, थोड़ा ट्रिकी है। अब इससे पहले मैंने क्या किया था, अब एक और इसका हल देखें, ठीक है। चलें जी दोबारा, नो किस तरह समझाएं, अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं भाई, समझ लो। अच्छा जी सर, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट को जैसे मास्क के बिना भी उसको ऊपर ले जा सकते हैं, नहीं देखो आप, ये तो दो ऑब्जेक्ट हैं, इससे ज्यादा जब ऑब्जेक्ट्स आपके पास बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट्स आपके पास आएंगे, तब आपको अंदाजा होगा कि मास्क कितना हेल्प करता है, सिर्फ ऊपर नीचे से काम नहीं चलता। अब इस तरह का मेरे पास कोई फिलहाल ऐसा प्रोजेक्ट है नहीं कि मैं आपको, सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि काम क्या करता है। लेकिन अगर कोई ऐसी मेरे पास कोई आ गई चीज, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह होती है चीजें, और हमें लेयर किसी जगह पे रखना जरूरी भी होता है। लाइक इसके साथ दो चार ऑब्जेक्ट्स और भी हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप शो करवाना चाह रहे हो, लाइक मैं इसको इस तरह करता हूँ कि मैं इस तरह 5-6 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको कहीं पे यहाँ पे, ठीक है, और इसको कहीं पे यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसको फ्रंट पे लेकर आया, इसको भी फ्रंट पे लेकर आया, ठीक है, और इसको कुछ यहाँ पे भी छोटे हो गए, ठीक है जी। अब लाइक मैं इन सारी लेयर्स को आपस में कर देता हूँ मर्ज, एक इसकी डुप्लीकेट हम रखते हैं ताकि बाद में हमारे काम आए, और बाकी जो भी लेयर्स हैं हम उसको कर लेते हैं मर्ज, कंट्रोल शिफ्ट ई। मर्ज की क्या, कौन सा शॉर्टकट है या किस तरह करेंगे, करके मर्ज लेयर्स, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा मैं नीचे लेकर आना चाहूँ, ठीक है। अब अगर मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो सिलेक्शन इन सबकी बनेगी, ठीक है। मेरे ख्याल में ये मेरे मुझसे बाय मिस्टेक मर्ज हो गया, इस ऑब्जेक्ट को मुझे रखना है ऊपर, अब बाकी हो जाओ, ठीक है। बाकी कौन से हैं, अच्छा ऑटो सिलेक्ट को किस तरह मुझे हटाना चाहिए, ऑटो सिलेक्ट को, राइट, मर्ज लेयर्स, ठीक है जी। अब अगर मैं सिलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ इतने सारे जो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ तो मुझे एक दो चीजें यूज करनी पड़ेंगी। एक तो मुझे ये है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊं और इसकी ओपेक कुछ कम करूं, और उसके बाद मैं जाके यहाँ पे पेंट करूं, ठीक है। एक तो ये हल है, लाइक जिस तरह हम ब्रश के साथ पहले भी करते हुए आ रहे थे, ठीक है। अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा, राइट, ठीक है, तो हमें ब्लैक करना चाहिए इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे रिमूव करना, और मुझे टाइम देखें कितना लग रहा है, और मुझे सिलेक्शन का भी समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आ रहा। चलें जी हम इसको जल्दी जल्दी से इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं पे थोड़ी बहुत मुझसे मिस्टेक्स भी हो जाए, मैं पेंट करता हुआ इसको जा रहा हूँ, और ये ठीक है जी। दोबारा हम आते हैं और इसकी नाक को भी बेहतर करते हैं, ठीक हो गया।
ठीक है, दोबारा मैं इसकी ऑपेसिटी फुल करके देख रहा हूँ और ये कुछ बेहतर है, लेकिन मुझे टाइम लग रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा काम करूँ जिससे सिलेक्शन में भी मुझे हेल्प हो और ये काम मैं जल्दी सर अंजाम दे पाऊँ। ठीक है, तो ये सिर्फ इसीलिए मैंने अप्लाई किया ताकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हों आपके साथ, लाइक मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका मैंने मास्क बनाया। ठीक है, लाइक मैं इसका मास्क बना रहा हूँ और मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पे। इस तरह क्यों हुआ? राइट राइट, अब मुझे क्या करना चाहिए? कंट्रोल शिफ्ट आई फॉर इनवर्ट सिलेक्शन। दोबारा मैं यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं और यहां पे अप्लाई किया। अब समझ में आया कुछ? समझ में आया? नहीं। अच्छा जी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, लाइक अच्छा, एक और तरीका जहाँ बताओ, क्वेश्चन कंप्लीट करो। पहले आपने जो किया था ब्रिज के साथ, ऐसा जो पीछे वाला जो बाउंस था वो ऊपर आया फ्रंट पे किया, बल्कि की जो नाक का ऐसा था वो तो बैक पे किया था। तो ये सर पूरा फ्रंट आ गया है, तब तो उसको नाक को पीछे करना है, तो उसको हम क्या करेंगे कि इसको मास्क करेंगे, लेफ्ट साइड और मास्क लाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और टेक्निक अप्लाई हो सकती है विद सिलेक्शन। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, मेन को। ठीक है, दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे मास्किंग की तरफ। सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट आई, या इसको पहले एक मास्क ले लेते हैं। ठीक है, मास्क लिया, इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, और हम यहाँ पे आ गए कंट्रोल शिफ्ट आई, और इसको मैंने कर दिया पेंट। ये भी काम नहीं कर रहा। एक्चुअली ये अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो कुछ इस तरह हो रहा है, मुझे नीचे वाला ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, डिलीट कंट्रोल डी, और दोबारा एक और मास्क बनाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास सिलेक्शन आ गई। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये मास्क लेकर जा रहा हूं ऊपर, और मैंने यहाँ पे पेंट करना शुरू कर दिया, और मैंने यहाँ पे पेंट करना शुरू कर दिया। अब कुछ समझ में आया? अब ये मैं पेंट कर रहा हूं। ठीक है, पहले मुझे पेंट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन अब मैंने इसको क्विक जल्दी करने के लिए मैंने इसको सिलेक्शन बनाई, क्योंकि सिलेक्शन का मकसद ये होता है कि आपकी जो सिलेक्शन है कहीं बाहर ना जाए, ये आपकी बाउंड्री बन गई। जिस तरह टेक्स्ट में होता है कि इस बाउंड्री से, बॉक्स से आपकी सिलेक्शन बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, आप कुछ भी कर लो। तो सिलेक्शन बनाएं और क्विकली हमने इसको रिमूव कर दिया। अब कुछ कॉन्सेप्ट होना, और हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से पेंट हुआ है। हाँ, सिलेक्शन हमने नीचे वाले से बनाई है, लेकिन मास्क हमने ऊपर वाले से किया है। ठीक है, बाकी जो ऑनलाइन बैठे हैं बता दें भाई, आप में से किसी को भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। चलें जी, क्लियर। हाँ, नहीं, एक ही हो सकता है। आप यहाँ पे पेंट ही ना करो, लाइक मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। नहीं सर, ये पीछे होना चाहिए। अब समझ गया, मैं समझ गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये आगे वाला है ना, मैं इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, उसी मास्क में आ रहा हूं, और यहां पे अब क्या करूंगा, व्हाइट पेंट।
इस तरह चाह रहे हो आप, सिर्फ सिलेक्शन का कमाल है, ऊपर नीचे सिर्फ सिलेक्शन ही हो रही है और कुछ नहीं कर रहे, और दो कलर यूज हो रहे हैं आपके, कौन से, ब्लैक एंड व्हाइट। इनको सिलेक्शन भी नहीं समझ में आ रही भाई। अच्छा आप में से किसी को सिलेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है किसी को? सिलेक्शन तो इजी है वैसे, सिलेक्शन तो इजी है आपके, सिंपली कंट्रोल के साथ। अच्छा एक चीज ध्यान में रखो, ये पीएनजी इमेजेस हैं, ठीक है, ये पीएनजी हैं, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। और अगर मैं भी मेरे पास ये ही लाइक मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट में आए और पेस्ट किया, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट ई, ठीक है, एक मेरे पास इमेज बन गया, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और मैं इसको यहां पे ले आ रहा हूं सबसे ऊपर, ठीक है, कंट्रोल वी, लाइक इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं सिलेक्शन करूंगा तो सिलेक्शन मुझे बताओ किस, कौन से उसकी एलिफेंट की, कौन से ऑब्जेक्ट की बनेगी, ऊपर वाले की, नीचे वाले की, लेफ्ट राइट, किसकी बनेगी? सबकी बनेगी, पूरे रेक्टेंगल की बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, ये बात आप भी समझ लो जो ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि भाई इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिर्फ कंट्रोल के साथ इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ, तो ये मेरी सिलेक्शन आ गई, ठीक है। इसी तरह अच्छा मजे की बात, यहाँ पे दो चीजें हैं, हमने बैकग्राउंड रिमूव करना सीखा था पहले, ठीक है, वो किस तरह सीखा था कि भाई हम यहाँ पे आए ब्लेंडिंग टूल्स के बाद हम आराम से यहाँ से वाइट को रिमूव कर लेते हैं, लाइक इस तरह से, ठीक है, एक तरह का हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव हो गया, लेकिन ये अभी भी इसको कंसीडर ब्लॉक कर रहा है। ये देखो उसकी क्या वजह है कि इसके ब्लेंडिंग टूल्स में सिस्टम अभी भी इसको तस्वर ब्लॉक ही कर रहा है, इनको ये सेपरेट इमेजेस नहीं कर रहा, लेकिन मास्क में आप इसको सेपरेटली कर सकते हो, ठीक है। लाइक मिसाल के तौर पे मेरे पास मास्किंग की मैं चारों सिलेक्शन आ जाए, सिर्फ मेरे पास मास्किंग की सिलेक्शन आई है, देख लो इसको मैं हटा रहा हूँ, अब देखो, देख रहे हो, ठीक है, मैं चाह रहा हूं इसकी सिलेक्शन आ जाए, ऑब्जेक्ट की आ जाए सिर्फ कंट्रोल के साथ, यहाँ पे मेरे पास आ गई। वरना इसका एक और तरीका भी है, सिलेक्ट ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, पिक्सेल पता नहीं क्या, सिलेक्ट पिक्सेल, ठीक है, राइट क्लिक, देख रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर ऑप्शन, सिलेक्ट पिक्सेल कर लो, वही कंट्रोल वाला काम करेगी। यहाँ पे आए राइट क्लिक करके, सिलेक्ट पिक्सेल कहाँ गया भाई, ये रहा, सिलेक्शन तो इजी है, सिलेक्शन तो मेरे ख्याल में किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और ये सिर्फ इस वजह से थोड़ा बहुत लग रहा है क्योंकि हम एक ही मास्क को ऊपर भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और नीचे भी कर रहे हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट्स आ जाए, लेकिन डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी आपके जहन में कोई और दुश्वारी आ रही हो या इसमें से आप चाह रहे हो कि ये आगे हो जाना चाहिए, ये पीछे हो जाना चाहिए, तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं, तो मुझे कोई आइडिया दे दो, मैं आपको उसी तरीके से समझा दूं, या आपको अभी समझ में आ गया, क्लियर? बाकी एंड पे भाई क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर कर लोगे अब। अच्छा अब दोबारा आते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और सिलेक्शन बनाते हैं, ठीक है, लेट्स। अच्छा मुझे सिलेक्शन हटानी है, हट नहीं रही, क्या करना चाहिए मुझे? कंट्रोल डी, ठीक है, ओके, हम यहाँ पे आए और क्या करते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, और मैं लिख देता हूं यहां पे क्रिएटिव। चलें जी दोबारा हम सिलेक्शन क्लियर हो गई तो हम दोबारा एक और मास्क बना लेते हैं, ठीक है, क्रिएटिव ये, और टेक्स्ट थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, लाइक मैं इसको ब्लैक कर लेता हूं, बस यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के यहाँ पे ऑल्टर के साथ आप इसको पढ़ाते जाओ, या वैसे मैन्युअली भी कर सकते हो, अब मैन्युअली लेफ्ट से आओ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टीज के अलावा मेरे पास और कौन सी जगह है यहाँ पे, करेक्टर्स क्या पैलेट विंडोज में से आपको मिलेगी, हाँ जी भाई ये रहा करेक्टर्स, कोई आठवां दसवां ऑप्शन होगा, ठीक है,
अच्छा जी, यहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन टाइपो की तरफ हम आगे आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे फिलहाल हमने इसका टेक्स्ट साइज ये रखा, ठीक है, और हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है दोबारा कट हो जाए। अब आप लोगों में से कोई मुझे बताए, जो फिजिकल अभी यहाँ पे आए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गाइड कर दो। मैं चाह रहा हूं कि क्रिएटिव हमारे कंप्लीट ऑब्जेक्ट से कट हो जाए। ऑप्सिटी कम कर दें। चलें जी, कर दी, कब ऑप्सिटी कम होगी, अब क्या करें, मास्क से ही होगा सबसे ऊपर। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ जिस तरह एक एक चीज आपने ही एक आइडिया दिया कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी नाक यहाँ से आगे है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट पीछे है, ठीक है। इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के ये आगे हो, किसी के पीछे हो, ठीक है। लाइक क्रिएटिव ये यहाँ से कटा हुआ हो, यहाँ से आगे हो, यहाँ पे पीछे हो, ठीक है। ये जो है ये आगे होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, मास्क ही होगा, किस तरह होगा, आप आ जाए थोड़ा करके तो दिखाएं। आ जाओ। अपना इंट्रो करवाते हैं, कौन है स्क्रीन पे अभी? जीएम। जीएम, चले जी। कंट्रोल कहाँ पर है? कंट्रोल ये है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बराबर। हाँ, ऐसे हाँ, टी के ऊपर क्लिक करो जहाँ पे थंबनेल बनाओ। हाँ, हो गया। कंट्रोल शिफ्ट आए, यस, करके देखो भाई। आप में से अगर कोई हेल्प करना चाहता है जीएम की तो बेशक आ जाए। ओहो, चलें जी, अब क्या करना चाहिए? सर ये गलत हो गया, सही करो, हेल्प करो भाई, जीएम की हेल्प करो। माइट है ना, प्ले करना सही किया था, करो जैसे किया था पहले, हाँ कर दिया। मास्क सही है, और मास्क करो, मास्क करने के बाद ब्रश स्प्रेड करो, उसका कलर इन्वर्ट कर दो, व्हाइट कलर को लाओ, कर दो, हाँ कर दिया, हाँ कर दिया, इतना भी नहीं करो। अच्छा, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो जीएम की प्लीज हेल्प कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। पहले से करना है ना, पीछे करना है? हाँ, किसी को पीछे करो, किसी को आगे करो, बस ये जो है आखिरी वाला हाथी आगे आना चाहिए, ठीक है, ये आगे आना चाहिए। हाँ, कैसे होगा ये ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स, ये यहाँ वो ऊपर जो जू लिखा हुआ उसको प्रेस करो, छोटा हो रहा है? हाँ, ओके, नहीं ना सही है, आपको पीछे कर दो, सर नीचे वाले सर,
कटिंग सही नहीं सर, ये ज़ूम कैसे होगा? अल्टर के साथ माउस भी तो चलो, अल्टर के साथ हाँ सी को पीछे करो, ई को भी थोड़ा पीछे कर दो। हाँ वो आप होता है, विजिबिलिटी अच्छी आ जाती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, वेरी वेल डन भाई, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया। आप रिजल्ट देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। ये टास्क जीएम ने परफॉर्म किया है। और अच्छा जी, कोई और टिप है, कोई ट्रिक है जिससे हम और ज्यादा जल्दी कर पाए, कोई बता दे सिलेक्शंस के थ्रू? हाँ आप ही बता दो, आइडिया दे दो सर। आई थिंक सर अच्छा होगा कि इसको कंप्यूटर के साथ लेट करके मार्क करके देन इसका सेपरेटली हो जाएगा, मतलब सी आर ई ए टी आई वी सेपरेट हो जाए, जैसे सिलेक्शन टूल एक एक तो हम एक एक को सुपर लिखे एक एक को, ठीक है जी। चले जी, इस तरह करके देखते हैं। अब इसका अंदाजा हुआ कि मास्किंग हमें क्यों चाहिए, ठीक है। वैसे हमें क्या होता कि एक ही ऑब्जेक्ट में हमें हो रहा था कि इसको तो ऊपर ले जाते, लेकिन अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आगे तो हमें अंदाजा हो रहा है कि मास्किंग वाकई बहुत हेल्प करता है जब आपकी सिलेक्शन में आगे पीछे करें। वरना आपको अंदाजा था कि एक एक करेक्टर को आपको आगे पीछे करना पड़ता, ठीक है। तो अब दोबारा आते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव, या इसको रखते हैं यहाँ पे, और इसकी मैं एक कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल जे के साथ, ठीक है। ऊपर वाली लेयर को हमने रिमूव की, हाइड किया और एक नीचे लेयर पे आ गए, ठीक है। अब भाई दोबारा हम क्या कर रहे हैं, देन उसे अच्छा ऑनलाइन वाले हजरात मौजूद तो हैं, चलें जी, ठीक है। दोबारा मैं आ रहा हूँ सिलेक्शन की तरफ, मेन ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे मास्क कर रहा हूं, लाइक कहां गया मास्क, ठीक है, और इसी मास्क को अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, ये इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लाइक अब मैं इसी मास्क को कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ इन्वर्ट कर रहा हूं कि उलट हो जाओ और यहां पे आ जाओ, देन इसी मास्क को मैं लेकर जा रहा हूं ऊपर, ठीक है। अब एक और चीज मैं कर रहा हूं, मैं अपनी आसानी के लिए मैं टेक्स्ट को कर रहा हूं कंट्रोल के साथ सिलेक्ट, ठीक है, ताकि मुझे कहीं पे भी देरी ना लगे। और मैं यहां पे आया और दोबारा मास्क बी, बी के बाद मैंने यहां पे व्हाइट कलर है तो ये ऊपर लेकर आए, इसको मैं ऊपर लेकर आया, आराम से पेंट करो, कोई जल्दी नहीं। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी सिलेक्शन कहीं पे आउट नहीं होगी, ये भी ठीक है। मे बी मैं इसको ऊपर लेकर आना चाहता हूं, मैं इसको ऊपर लेकर आया, सिर्फ ए को, ई को ऐसे ही रहने देते हैं और आराम से हो गया। आर को मैं ऊपर लेकर आना चाह रहा हूँ, गेन आर को लेकर आया, क्या कह रहे हैं, अच्छा ये इसको भी थोड़ा सा मैं ओके, ये ठीक है अपनी जगह, ये ठीक है, ए को भी ऊपर लेकर आते हैं। दोबारा मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ मुझे पहले सिलेक्शन बनानी पड़ेगी, ठीक है, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की। अब मैं दोबारा यहां पे आके बी एंड पेंट, आसान था, ठीक है। अब हम कर कुछ नहीं रहे, बस ये कि थोड़ा सा ट्रिक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। हमको सिर्फ इन लेयर्स को समझना है कि हम मास्क को सिर्फ
सिलेक्शन मेरी यहाँ पे है, ठीक है, लेट्स से मेरी सिलेक्शन यहाँ पे, ठीक है, और मैं मास्क यहाँ पे बना रहा हूं और इसी मास्क को मैं यहाँ पे ऊपर लेकर जा रहा हूं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैंने मास्क यहाँ पे बनाया तो मैं इधर नहीं बना सकता। आप जब सिलेक्शन आ गई तो क्या आप मास्क यहाँ पे ऊपर नहीं बना सकते? ऐसा ही बना सकते हो, सिर्फ ये मेथड समझाने के लिए कि ये लेयर्स ऊपर नीचे हो जाती हैं बड़े आराम से और आप इनको, आप इनसे भी काम कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो ऑनलाइन बैठे हैं मुझे बताएं कि समझ में आ रही है बात, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट काफी क्लियर हो चुकी है। अभी आपके सामने एक स्टूडेंट ने परफॉर्म भी किया। चलें जी, अब दोबारा चलते हैं हम शैडो की तरफ, ठीक है, शैडो की तरफ चलते हैं। और शैडो किस तरह अप्लाई हुआ था कल, लाइक मेरे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे ये 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 और ये और ये, ठीक है, ये तो पहली बात ये सब साथ में है। अब कल यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एडजस्टमेंट की थी, लाइक मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे कुछ लेवल्स का ऑप्शन था, ठीक है, लेवल्स, देन मैंने इनका कलर ना आपस में मैच करने की कोशिश की थी, ठीक है। अब ये देखो ज्यादा काला है, ठीक है, और यहाँ पे इसका कोई यहाँ पे हाइलाइट्स ज्यादा हैं, तो मैं क्या करूंगा, शेडोज के ऊपर काम करूंगा ये, ताकि एक जैसे लगे। अब बेहतर लग रहा है, एक ही जंगल वाले लग रहे हैं। चलें जी, अब एक और ऑप्शन है कि मैं चाह रहा हूं कि ऐसे नहीं हो, ये तो सर आपने पढ़ाया ही नहीं, एकदम पता नहीं कहाँ चले गए, कोई ऐसी चीज है जिससे मैं इसका कलर कोशिश करके बैलेंस कर सकता हूँ, वो किस तरह कर सकता हूँ? नहीं, लेवल्स के अलावा, लेवल्स अभी बताया ना आपको, ओवरले, ठीक है, लेकिन ओवरले के लिए भी एक लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, वो मैं लेयर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लाइक मैं एक ब्लैक कलर ले लिया, ठीक है, एक्स करके इसको पीछे कर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहा हूँ, स्क्रीन नहीं हो रहा, सॉफ्ट सॉफ्ट पे ठीक है मेरे ख्याल में, और मैं क्लिपिंग के साथ सिर्फ इसको अप्लाई कर रहा हूं, वरना ऑल ओवर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करके सिर्फ क्लिप कर दिया, बेहतर है। अगर मुझे चाहिए कि मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करूं तो मैं क्या करूंगा, ऑपेसिटी, सिर्फ मैच करना है, कदरन बेहतर है मेरे ख्याल में, ठीक है, काफी बेहतर है, अब ये मैच हो रहे हैं। मैं इसको मे बी इसको 70 कर रहा हूं, 70 पे ठीक है, और अगर मैं चाहूं तो इनको आपस में मर्ज भी कर सकता हूं, लेकिन मर्ज में कुछ और इश्यूज आएंगे, ठीक है जी। अब यहां पे मैं चल रहा हूं दोबारा, अच्छा एक और क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है कि मैंने सिलेक्शन बनाई, मैं इसका कंट्रोल जे, ठीक है, कंट्रोल जे, और मैं दोबारा एक और सिलेक्शन बना रहा हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, और मैंने इसको कुछ इस तरह से बैक स्पेस के साथ पेंट कर दिया, ठीक है, और मैं इसको अब थोड़ा सा हिला रहा हूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, समझ में आ रही है बात, ठीक है, ये इतना इजी था। लेकिन मैं चाह रहा हूं इसका ब्लू कलर होना चाहिए, इसका कुछ और कलर होना चाहिए, इसका कलर और कुछ होना चाहिए, इसका कलर कुछ और होना चाहिए, तो ये किस तरह होगा, राइट, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूं या होने रहने दे, ठीक है, यहाँ पे आए और सिलेक्शन के साथ, लाइक मेरे पास ये भी है क्विक सिलेक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूं इसको, सारी सिलेक्शन को माइनस, ठीक है, और मैंने इसको कलर क्या करना है यहाँ पे, ऑरेंज, ठीक है, और अगर मैंने इसको थोड़ा सा मूव किया तो मेरे पास कौन सा कलर आएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, वही लेयर्स हैं, वही सारी बातें हैं, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ मैंने सिलेक्शन इसकी माइनस, बाकियों की माइनस की, सिर्फ इसकी प्लस की, ये समझ रहे हो बात, ठीक है। दोबारा, अच्छा जो ऑनलाइन बैठे हैं आप भी कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दोबारा उन्हीं को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, दोबारा कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर रहा हूं, अब मैं चाह रहा हूं इसका कलर कुछ और होना चाहिए, ठीक है।
अब ये मैं अगर यहाँ से लेफ्ट और राइट लेकर जाऊंगा तो उनकी पोजीशन थोड़ी डिस्टर्ब होगी, तो तभी मैं फिलहाल इनका कलर चेंज नहीं कर रहा। दोबारा यहाँ पे कोई ब्लू कलर ले लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, सिलेक्शन को कट करना चाहिए। यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे, और ये हो गए कट। ठीक है विंडोज जी, मुझसे ठीक नहीं हुआ। अगेन ऑल्टर के साथ मैं इनको सबको कर रहा हूँ कट। और जी ये बन गई सिलेक्शन। ठीक है, इनको भी मुझे माइनस करना है। भाई हो जा, यहाँ पे भी हो जाओ। अब आसान है, वो ही ब्लू कलर एक्स के साथ मैं बैकग्राउंड में लेकर गया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब मेरे पास ब्लू भी आ गया और मेरे पास येलो ऑरेंज भी आ गया। मैं सिर्फ इन दोनों को मूव करना चाहूंगा, इस लेयर को कंट्रोल डी के साथ पहले डिसलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ही कुछ इस तरह से। ठीक है, आसान है। अब दोबारा ये जो है बाकी, इनको भी जल्दी से कर लेते हैं। वही सिलेक्ट, अच्छा सिलेक्शन एक और भी है मेरे पास, क्विक इसके थ्रू भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी सिलेक्शन होगी मेरे पास। अब मैं आराम से अपना कलर कुछ भी चेंज कर दूं, ब्राउन कर देते हैं या इसको येलो टाइप का कर देते हैं। इसको एक्स किया, पीछे आ जाओ और डन। दोबारा मेरे पास इस तरह से है, मैं कोई और सिलेक्शन टूल यूज कर लेता हूं, क्विक सिलेक्शन टूल। अभी भी था मेरे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिलेक्शन टूल, ये एक्चुअली आप जब तक अप्लाई नहीं करोगे ना तब तक समझ में बात नहीं आएगी। ठीक है जी, सिर्फ सिलेक्ट किया ऊपर से और ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्ट हो गया। दोबारा कोई और कलर कर देते हैं, लाइट ग्रीन, और एक्स से मैं इसको पीछे लेकर आया और डन। मेरे ख्याल में सिर्फ ये आखिरी ऑब्जेक्ट है जो रह गया है। ठीक है, अब मुझे जो ऑनलाइन बैठे मुझे बताएं इस ऑनलाइन का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए जो शेडो हम क्रिएट कर रहे हैं। वैसे ये इफेक्ट है और इस इफेक्ट को हम कौन सा कलर दे सकते हैं, ब्लैक। ओहो चलें जी, हम दोबारा से, मैं इस चीज को दोबारा दोहरा रहा हूं कि आप ये सारी सिलेक्शंस माइनस भी कर सकते हैं आराम से, बड़े आराम से। ठीक है, मेरे पास एक ही सिलेक्शन अब आ गई। मैं चाहूं तो अब कोई और कलर यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं, रेड। रेड तो चलो जी रेड ही हम कर देते हैं। ठीक है, और अप्लाई कंट्रोल जी। ठीक है जी, अब हो गया, देर कर दी आपने आते आते, और जी ये अप्लाई हो गया। सिर्फ एक के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये हमारा जो मेन ये है इसके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं हुआ। एक हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, बाकी के ऊपर अप्लाई हो चुका है। ये देखें, सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। हाँ सिलेक्ट किया था, किया था भाई, भाई लेयर एक ही है, मल्टीपल लेयर थोड़ी है, लेयर एक ही है, आप आराम से मूव कर सकते हो। नहीं मैंने किया था। चलो जी मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली मैं इसका कलर कर चुका हूँ। ठीक है, तो ठीक है, एक्चुअली वो बैकग्राउंड का कलर उसके साथ ये मैच कर रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, उसका ये इसका भी कलर रेड है, लेकिन ये थोड़ा सा मास्किंग की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, और मेरे ख्याल में इन सब में ये कलर्स काफी हैं, सिर्फ हमें बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड में मैं कोई और कलर चूज करता हूँ जहाँ पे सारा सबकी विजिबिलिटी हो, मे बी कुछ इस तरह से। ठीक है, या इसको और कुछ इस तरह से ले जाओ, लाइट ग्रीन कलर है इसका, राइट राइट मोहम्मद वसीम। ठीक है जी, तो फिलहाल हमारे पास कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब बताओ किसी को कुछ मसला हो, साहिल हो तो बता सकते हो। मेरे ख्याल में क्रिस्टल क्लियर है मास्किंग ऑलमोस्ट। ठीक है, ज्यादा वैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह करना है।
मेरे ख्याल में अभी ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो ऑनलाइन बैठे यहाँ पे फिजिकल बैठे हो एक मास्किंग का ऑब्जेक्ट बनाओ, नथिंग एल्स। बाकी यहाँ पे अगर क्यूरीज हैं तो ठीक है, वरना क्लास को ओवर करते हैं। मैं आपका सेशन ले लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, कर लें, बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें। अच्छा जी, जो ऑनलाइन बैठे हैं ये उनके लिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बता दें, बाकी यहाँ पे जो फिजिकल है वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर ये शेडो कलर ओवरले से नहीं जा सकता क्या? कौन सा, ये नीचे वाला कह रही हो? ये वाला स्क्रीन से मैं भी चला जाए, देखते हैं। यहाँ पे आए और इसको स्क्रीन कर रहा हूँ, कहाँ गया जी? स्क्रीन पे भी नहीं हो रहा, ओवरले पे भी नहीं हो रहा, कलर शेड। ये स्क्रीन कलर ओवरले से भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे मसला ये कि सिलेक्शन का प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे आपको लेयर आपको अप्लाई करनी है, वैसे कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पर लेयर्स लेनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग क्या है, यहाँ पे एक ही लेयर के अंदर है सब कुछ, ठीक है? ये देखो, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, एक ही लेयर के अंदर सारी चीजें बनी हुई। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट प्लस में एक टेक्स्ट, उनको आपस में सिर्फ मिक्सअप करना है, ठीक है? अच्छा जी, जो ऑनलाइन बैठे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम हो बता दें, वरना कल की असाइनमेंट यही है कि इस तरह का आपने मास्किंग की हेल्प से, जिसमें टेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स भी दे सकते हैं, आप ओवरलेस भी देख सकते हैं, इसी तरह से आपको बिल्कुल और आपको इसी तरह से असाइनमेंट सबमिट करवानी है। लाइक इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ, ये जो भी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है मैं इसको भी मास्क कर लेता हूँ, बी के साथ इसको मैं पेंट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास एक्स फिर आ जा कुछ इस तरह से। मैं इसका ये भी रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास एंड रिजल्ट खूबसूरत दिखे, ठीक है? अदर देन वैसे रिकॉर्डिंग जो है ना वो एकदम से नहीं आती, थोड़ा सा टाइम लेती है, थोड़ा फेच करने में ना मसला होता है। ये देखें, थोड़ा सा मसला होता है, ठीक है? अदर देन ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा एक्स कर रहा हूँ। ओहो हो जा भाई, ठीक है। हाँ बस एक दफा अप्लाई करोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? वरना इतना ज्यादा बस थोड़ा सा एक दफा अंडरस्टैंडिंग बन गई आपकी तो आपके लिए मसला नहीं है, ठीक है? स्टार्टिंग में होता है मसला, लेकिन वंस आपने कर लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप आराम से इसको अकम्प्लिश कर सकते हो, ठीक है? मैं दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ। क्या हो गया इसको, यहाँ पे कुछ इस तरह से लेयर्स और ग्रुप्स, देखिए इसको दोबारा सेलेक्ट करना चाहिए और यहाँ पे, ठीक है जी, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैंने इस तरह कर लिया और इसको इस तरह कर लिया, ठीक है? इसको ताकि मैं मास्किंग बेहतर कर सकूं, ठीक है? ये वाइट मैं एक्चुअली यहाँ से रिमूव करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मुझे वो लेयर्स जो हैं मुझे पेंट करनी पड़ रही हैं। देन दोबारा बी फॉर ब्रश और इनको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे बी फॉर ब्रश देन पेंट, ठीक है? सिर्फ हमें सिंपली सिलेक्शन बनानी है और यहाँ पे, ठीक है, ऑल गुड, मेरे ख्याल में काफी बेहतर है। थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा मुझे फील हो रहा है, अदर देन ठीक है, बड़ा आसान है यहाँ पे ना, ये रहा, ठीक है, ओके। और जी दोबारा हम सबको विजिबल करते हैं, ये रहा। तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक क्लियर रहती है, वो कलर्स वाली,
और ये मेरे पास वो भी विजिबल हो गई तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, सबको क्लियर है? लेकिन ये कि एक जो असाइनमेंट है आपने कुछ इस तरह से बनानी है जिसमें आपको सिंपली चीजें जो हैं इसी तरह मास्किंग के थ्रू कहीं भी छुपा दो कहीं भी दिखा दो। लाइक यहाँ पे सिंपल वी है, मैं वी को पीछे करना चाह रहा हूँ, मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ सिर्फ सिंपल कंट्रोल के साथ और बी के साथ पेंट कर रहा हूँ और मेरे पास ब्लैक है तो आराम से मैं इसको सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि मुझे सिलेक्शन अगर करनी है तो मैं ये इसकी सिलेक्शन करनी है, ये ऊपर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी अगर करूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। दोबारा मैं इसी ऑब्जेक्ट पे आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, थोड़ा सा वी को खराब हो गया है, थोड़ा सा जी देन डी और जी देन डी। ठीक है, ठीक है, अब मैं पीछे वाले जो मेन ऑब्जेक्ट है मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसकी सिलेक्शन बनाई और मैं सिर्फ उसी को पेंट करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, अगर उसको इनविजिबल कर दो, ओहो मैंने लेयर सिलेक्ट नहीं की, टेक्स्ट की। ठीक है, यहाँ पे मास्क को सिलेक्ट किया, देन आराम से करो भाई, ओके, ठीक है, क्रिएटिव, और ये आपको करनी है। अब इसके ऊपर आप स्ट्रोक भी अप्लाई करो, व्हाटएवर जो भी करो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आए इफेक्ट्स, ब्लेंडिंग टूल और स्ट्रोक, मेरे पास आए स्ट्रोक स्ट्रोक स्ट्रोक, कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आ गया, सिंपली यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाइड है स्ट्रोक के ऊपर, वही बात है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही बात है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, थोड़ा सा छोटा ही एस, इतना सिंगल कलर देना चाहो तो व्हाइट दे दो, या लाइक यहाँ से ग्रेडियंट है ग्रेडियंट को कलर कर दो और यहाँ से आपने कुछ भी कर दो इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हो, बस यही थी सारी कहानी मास्किंग की। ठीक है, तो कल आप ऐसा कीजिए कि एक अच्छे से एक बना, अच्छा जी देखो आप एक्स्ट्रा इफेक्ट भी लगा रहे हो तो भी आपका मास्क काफी हेल्प कर रहा है। ठीक है, लेकिन मास्क थोड़ा सा यहाँ पे वी बुरा लग रहा है ये स्ट्रोक के साथ, मैं स्ट्रोक अगर यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ तो बेहतर है। ठीक है, मे बी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जे के साथ नीचे एक लेयर है उसका मैं सिर्फ सिंपल कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कलर रख देता हूँ रेड और यहाँ पे इसको यूज। ठीक है, इट्स गुड। तो जी इतनी सी कहानी, इसमें तो मुझे मास्क वास कुछ नहीं करना पड़ा और सिंपली इसका मैं कलर चेंज किया। आप कलर आप जो चाहें आप इसका बना सकते हैं पीछे। ठीक है सर, ब्लेंडिंग ऑप्शन से जब वाइट रिमूव करते हैं तो उसके बाद उसमें कलर नहीं होता, वो किस तरह होना चाहिए? ब्लेंडिंग के बाद कलर रिमूव, कलर नहीं होता मतलब, नहीं समझा, दोबारा बता दो। जब वाइट रिमूव करते हैं ठीक है, उसके बाद उसमें नहीं होगा। ठीक है, वो आपका जो जिस तरह आप कलर ब्लेंडिंग से चूज कर रहे होते हैं ना, तो उसको अभी भी फोटोशॉप तस्वर कर रहा होता है कि ये मेरे पास अभी भी बाउंड्री में है, विजिबल नहीं करता लेकिन होता है। ठीक है, क्लास में अंकल है कोई इमेज नहीं है, यूएसबी चल रही है, इसमें यूएसबी चल रही है, इंटरनेट भी नहीं चल रहा, इंटरनेट किसी में भी नहीं चल रहा, तो इमेज कहाँ से लाएंगे? फोन देखो केबल के साथ हो रहा है अटैच, देखो कोई ना कोई देख लो तो एक इमेज कर लेते, वरना मैं आपको ये पीएसजी दे देता हूँ, इसमें से जो भी है दो ऑब्जेक्ट ही उठा लो। अच्छा जी, अभी मेरे ख्याल में जो ऑनलाइन बैठे हैं आपको इजाजत है, कल इंशाल्लाह ताला कुछ इस तरह का आप असाइनमेंट बना के आना,
और इससे रात तक जो भी है कोशिश, आप जो जैसा भी बने, जो भी कोशिश हो, मसले मसाइल हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है चीज़ है और हमें, मेरा काम है कि उसको आसानी से आपको समझाऊं, तो बेहतर ये कि क्लास भी साथ में चलेगी और असाइनमेंट आपने सबमिट करवाना है, ठीक है, आज रात तक करवा देना तो बेहतर है, ठीक है। फिर भी जो भी आप ग्रुप में क्वेश्चंस कर सकते हैं, बाकी जो फिजिकल है इंशाल्लाह ये भी अपनी असाइनमेंट्स आज ही सबमिट करवा देंगे, ठीक है, आफ्टर द क्लास और या मे बी ड्यूरिंग क्लास, ठीक है। तब तक के लिए खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा और कल इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ होपफुली हम लेंगे, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।